नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। लेकिन इस डर के सफर पर निकलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अपने हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स बंद कर दें और आराम से लेट जाएं। अब आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और आपका ध्यान सिर्फ मेरी आवाज और इस डरावनी कहानी पर। तैयार हो जाइए एक ऐसे अंधेरे सफर के लिए जो आपको डर की गहराइयों में ले जाएगा। अब सोचिए, आप अकेले हैं और चारों तरफ सन्नाटा है। सिर्फ एक महल के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, वो दरवाजा जो आपको सीधा उस रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगा जहां सिर्फ मौत और डर का राज है। दोस्तों, यह है ड्रैकुला की कहानी और मैं हूं आपका होस्ट, आपको इस खौफनाक सफर पर लेकर चलने के लिए तैयार। एपिसोड 1, जोनाथन हार्कर का सफर। आज हम शुरू करते हैं इस कहानी का पहला एपिसोड, जहां हमारा नायक जोनाथन हार्कर, एक युवा वकील, अपनी जिंदगी की सबसे अजीब और खतरनाक यात्रा पर निकलने वाला है। जोनाथन एक कानूनी काम के सिलसिले में इंग्लैंड से बहुत दूर ट्रांसिल्वेनिया जा रहा है। उसका काम है एक अमीर और रहस्यमी आदमी काउंट ड्रैकुला के साथ एक डील फाइनल करना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, जैसे कोई भी दूसरी व्यापारिक यात्रा हो सकती है। जोनाथन ट्रेन से ट्रांसिल्वेनिया के छोटे से गांव में पहुंचता है। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं, जैसे उसे किसी बड़े खतरे की ओर बढ़ता देख रहे हों। होटल में रहने के दौरान एक बूढ़ी औरत उसे बताती है, बेटा वहां मत जाओ, काउंट ड्रैकुला के महल में जो जाता है वो वापस नहीं आता। पर जोनाथन इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करता है। उसे यह समझ नहीं आता कि लोग इतनी डरावनी बातें क्यों कर रहे हैं। वो अपनी यात्रा जारी रखता है और अगले दिन एक घोड़ा गाड़ी से महल की ओर निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो महल के करीब पहुंचता है, माहौल और भी डरावना होता जाता है। चारों ओर घने जंगल, ठंडी हवाएं, ऐसी और अजीब सी आवाजें। घोड़ा गाड़ी का चालक डर से कांपता है और बार बार आसमान की ओर देखता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। साहब, ये रास्ता सही नहीं है, वो बुदबुदाता है। जोनाथन को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो खुद को ये कहकर समझा लेता है कि ये सिर्फ डरावनी कहानियों का असर है। लेकिन जैसे ही वो महल के बाहर पहुंचता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। महल के बाहर घना अंधेरा और सन्नाटा है। पुराना और जर्जर महल जो सदियों से वीरान पड़ा है, जैसे अंदर किसी भयानक रहस्य को छुपाए हुए हो। वो दरवाजे पर दस्तक देता है और कुछ ही देर बाद एक लंबा पतला आदमी, जिसका चेहरा सफेद और आंखें चमकदार है, दरवाजा खोलता है। ये आंखों में अजीब सी चमक है, जैसे वो जोनाथन के मन के सारे ख्याल पढ़ सकता हो। ड्रैकुला उसे अंदर बुलाता है। महल के अंदर का वातावरण और भी ज्यादा डरावना है। दीवारों पर जाले लगे हैं, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी है और ठंडक इतनी गहरी है कि जोनाथन को अपने कपड़ों के अंदर तक महसूस होती है। ड्रैकुला जोनाथन को खाने के लिए बुलाता है, लेकिन खुद एक भी निवाला नहीं खाता। जब जोनाथन खाना खा रहा होता है, ड्रैकुला उसे अपनी ठंडी खामोश नजर से देखता रहता है। उसकी आंखों में ऐसी भयानक चमक है कि जोनाथन को महसूस होता है जैसे वो किसी खतरे में है। लेकिन वो खुद को संभालता है और सोने के लिए अपने कमरे में जाता है। रात का समय होता है, महल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। जोनाथन सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कहीं दूर से किसी के कदमों की आहट और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। जोनाथन उठकर कमरे के बाहर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे महसूस होता है कि यह महल सिर्फ एक साधारण जगह नहीं है, बल्कि यहां कुछ बहुत खतरनाक और अजीब है। दोस्तों, यही से शुरू होता है जोनाथन हार्कर का डरावना सफर। आगे क्या होता है? क्या वो इस महल से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा, या फिर इस महल के अंधेरे में उसका अंत छिपा हुआ है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ड्रैकुला की ये कहानी आपको हर एपिसोड में और गहरे अंधेरे में लेकर जाएगी। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके नाम से कोई डरावनी कहानी बनाएं, तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।